नमस्कार आदाब हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे यूपी के मौजूदा हालात के बारे में और पिछले कुछ समय से यूपी सुर्खियों में रहा है कि किस तरह से वहाँ पे शासन व्यवस्था दरअसल हिल रही है और एनकाउंटर्स हो रहे हैं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उर्मिलेश जी सर uh, स्टूडियो uh, में आपका बहुत बहुत स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि यूपी के मौजूदा हालात हैं uh, क्या इस पर आप uh, क्या कहेंगे देखिए उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हालात हैं अगर देखा जाए तो एक ऐसी सरकार जो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई हो और आ, उसमें एक ही पार्टी का पूरी तरह वर्चस्व हो अन्य लोगों को जो उन्होंने शामिल किया है वो उसी तरह से शामिल किया है कि भाई आप भी आ जाइए थोड़ा बहुत है जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है या दूसरी लेकिन पूर्ण वर्चस्व है बीजेपी का इसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभल रहा है आपको उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लिए किसी और दल की ज़रूरत नहीं है किसी और के समर्थन की ज़रूरत नहीं है आप वैसे भी विपक्ष को आप दरकिनार करके चलते हैं उसको आप विश्वास में नहीं लेते किसी भी कदम पर फिर भी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसकी सरकार में कहीं ना कहीं ऐसी खामी है जो प्रशासन और इनकी जो राजनीतिक संस्कृति है दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन या अंतर्विरोध खड़ा करती है मैं इस बात को आ, अगर उदाहरण देकर कहूँ कि देखिए उन्होंने मुख्यमंत्री अगर वो ये चाहा चा होता बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद तो किसी भी ऐसे नेता को वो आगे कर सकते थे अपने जो प्रशासनिक तौर पे दक्ष हो चाहे उसकी विचारधारा जो भी हो वो संघ का हो या विश्व हिंदू परिषद से उसका जुड़ाव रहा हो लेकिन एटलीस्ट राजनीति में बीस एक साल पच्चीस साल का अनुभव हो, हो और साथ में राजनीतिक दिमाग हो राजनीतिक मिजाज भी हो जैसे मान लीजिए राजनाथ सिंह का उदाहरण ले लीजिए आप बीजेपी के नेता हैं संघ के वो आदमी हैं वो भी प्रचारक रहे हैं लेकिन उनकी एक राजनीतिक संस्कृति रही है आप उनसे सहमत हों असहमत हों जैसे मोदी जी हैं मोदी जी भी प्रचारक रहे हैं लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी हैं और राजनीतिक उनका मिजाज रहा है उनकी राजनीतिक मिजाज से आप सहमत हों असहमत हों अलग बात है लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे आदमी को अपना मुख्यमंत्री बना दिया जो न तो विधायक के लिए चुना गया था न तो दावेदार था और न तो राजनीतिक संस्कृति के स्तर पर भले ही वो सांसद कई साल कई बार रहे लेकिन एक पॉलिटिकल जो दिमाग है जो कल्चर है उस हिसाब से वो मठाधीशी हैं और जिस तरह से मठाधीशी की संस्कृति या संस्कार या मिजाज़ उनका है जिस तरह की भाषा वो बोलते रहे हैं जिस तरह के संगठन वो चलाते रहे हैं खासकर वाहिनी हिंदू वाहिनी और हिंदू वाहिनी के लोग जिस तरह की बातें करते रहे हैं दलितों के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ओ के लिए तो मुझे लगता है कि उसका असर इस सरकार के काम पर पड़ा है और यही कारण है कि इस वक्त पूरा का पूरा सूबा मुठभेड़ सूबे के नाम से मशहूर हो गया है और ये मुठभेड़ कौन है फर्जी मुठभेड़े हैं आप जब आए थे सत्ता में तब आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो बदमाश लोग हैं वो या तो जेल में रहेंगे या जमराज के यहाँ जाएंगे। अब ये भाषा किसी दुनिया के किसी लोकतांत्रिक मुल्क में क्या आप देख लीजिए कि क्या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या इस तरह की भाषा बोल सकता है अपने नागरिकों के बारे में किसी भी मुल्क में किसी भी प्रदेश में लोग कुछ बदमाश हो सकते हैं कुछ शरीफ हो सकते हैं कुछ अपराधी हो सकते हैं कुछ साधु संत हो सकते हैं कुछ विद्वान स्कॉलर हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो शरारती हैं उनको आप गोली से उड़ा दें उसके लिए कोर्ट है उसके लिए कानून बना हुआ है जिसकी जिसके तहत कार्रवाई होती है लेकिन यहाँ तो जो शरारती हैं और जो निर्दोष हैं सबको मुठभेड़ के नाम पर मारा जा रहा है और उसी का नतीजा है कि विवेक तिवारी लखनऊ में एक लड़का जो मल्टीनेशनल में काम करता है जो अपर कास्ट से आते हैं मिडिल क्लास अगर कहा जाए कास्ट के रूप में अपर कास्ट अगर क्लास के रूप में मिडिल क्लास और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको रातों रात पुलिस का आदमी मार डालता है क्यों क्योंकि आपने पुलिस को एक तरह से निरंकुश होने का आपने लाइसेंस दे रखा है कि जाओ मारो पहले पुलिस जब मार रही थी दलितों को पिछड़ों को माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को तो मीडिया में उतना सवाल नहीं उठता था लेकिन विवेक तिवारी के हत्याकांड के बाद ये सवाल उठा है अब मैं देखूंगा कि क्या मीडिया जब दलित माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं तो सवाल उठाती है या नहीं अलीगढ़ के मामले में तो उसने नहीं उठाया दो लड़कों को मार डाला गया पुलिस द्वारा अभी सितंबर महीने में और पुलिस के साथ मीडिया ने एक तरह से आ, मिली भगत कर ली एक तरह से लाइव इनकाउंटर दिखाया लाइव इनकाउंटर का मतलब ही है कि फर्जी इनकाउंटर था तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है बहुत ही बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है ऐसी स्थिति शायद पहले कभी नहीं थी आपने एनकाउंटर्स की बात करी ये तो एक है कि पुलिस जो इनकाउंटर्स कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंसा जो है वो एक जिसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है ये इस घटना से भी सामने आती है जो अभी हाल ही में मतलब इसी एक दो दिन में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है उसके नतीजों के बाद तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो यूनियन का चुनाव था बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि पूरब का ऑक्सफोर्ड इसको मानते रहे हैं लोग हालांकि हालत आजकल बहुत ख़राब है यूनिवर्सिटी की लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में माना यह जाता रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जो जीतता है जो पार्टी या जो दल तो उससे एक फिज़ा बनती है जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जीते जाते हैं जब तो एक फिज़ा बनती है जैसे बीजेपी के पक्ष में गए थे हालाँकि वो बेचारे जो जीता था चुनाव वो 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 बहुत ही प्रतापी था अब उसकी सर्टिफिकेट ही फर्जी निकली अब उस पर देखिए कि क्या होता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो अभी चुनाव हुआ है उसमें ए का जो प्रेसिडेंट का पद का उम्मीदवार था वो हार गया उनको सिर्फ एक सीट मिली है सभी अन्य सीटों पर विपक्ष के समर्थित प्रत्याशी जीते हैं चुनाव इसके बाद अब डेमोक्रेटिकली जो इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो होता है कि जो लोग डेमोक्रेटिकली चुनाव जीतते हैं उनको लोग मानते हैं कि भाई ठीक है आप जीत गए आप हमारे नेता हैं जो हारता है दल या समूह छात्रों का वो एक्सेप्ट कर लेता है बहुत यही स्पिरिट होनी चाहिए लोकतंत्र में लेकिन हुआ या कि कल रात को बाकायदा जो हारे लोग थे उनके समर्थक या जो लोग हों तो एफआईआर में सामने बात आएगी वो जा कर के और हॉलैंड हॉल वहाँ का एक बहुत मशहूर हॉस्टल है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो उम्मीदवार थे जीते हुए उनके कमरे को जला दिया चलाने के बाद उनके अगल बगल के कमरे भी जल गए और हॉलैंड हॉल बहुत पुराना हॉस्टल है बहुत मज़बूत उसकी दीवारें और छतें हैं पता चला कि वो छत ही पूरी की पूरी आग से गिर गई अगल बगल के सारे कमरे जीत गए जल गए गाड़ियाँ तोड़ी गई मोटरसाइकिलें तोड़ी गई हम लोगों के ज़माने में हॉस्टल में मोटरसाइकिल रखना भी बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी आज कल लड़के कार भी रखते हैं तो कारें तक जला दी गई तो ये तो हाल है आई मीन पहले हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में सुनते थे कि वहाँ ए को किसी प्रोफेसर से नाराजगी होती थी तो उसकी हत्या एक आ, कर दी गई एक इंदौर में घटना घटी थी पता नहीं उस मामले में क्या हुआ कि एक प्रोफेसर सबरवाल थे उनका मर्डर हो गया था आई I मीन mean, अभी हाल में एक वीडियो आया सामने जब ए के लड़के एक प्रोफेसर से आ, कह रहे हैं कि तुम पहुंचो और पहुँचना पड़ा उनको अपने को बचाने के लिए तो असंख्य ऐसे उदाहरण हैं सामने ए के लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ही गुरमेहर कौर वाले प्रकरण में क्या किया था हम सब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ए का क्रोल हाल तक क्या रहा है इस वक्त क्या है ये पूरा देश जानता है तो हमारा ये कहना है कि रोहित वेमुला से लेकर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो घटना है मैं समझता हूँ कि ये बताता है कि किस तरह सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के समर्थित युवा और छात्र पूरे देश में पढ़ने लिखने और राजनीतिक तौर पे बेहतर ढंग से परफॉर्म करने या एक एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं उसके स्थान पर कैसे एक निरंकुश आचरण को स्थापित कर रहे हैं ये घटनाएं साफ साफ बताती हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है पिछले आम सब वो आम चुनावों में बीजेपी को बहुत भारी सीटें मिली यहाँ से 2019 आने वाला है और यूपी के जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत ही अस्थिर हैं शासन व्यवस्था को लेकर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से नहीं देखिए उत्तर प्रदेश का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि एक तो सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा की और अगल बगल के जो स्टेट्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं छोटे राज्य जैसे उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से ही टूटकर अलग हुआ है तो प्रभावित करती है उत्तर प्रदेश की सियासत उन सबको लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए पिछले कई वर्षों से कई दशकों से बल्कि तो एक जन आंदोलन जो होता है उसकी राजनीति कमज़ोर हुई है और उसकी जगह मंदिर मस्जिद दंगा फसाद ये जो कल्चर है ये काफ़ी मज़बूत हुई है उत्तर प्रदेश में एक ज़माना था जब जो नेशनल मोमेंट था हमारा आज़ादी का तो उसकी वजह से लंबे समय तक वहाँ पर एक ख़ास ढंग की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कह लीजिए नेशनलिस्ट आज के संदर्भ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसका एक दबदबा था बड़े नेता टॉवरिंग पर्सनालिटीज़ वहाँ से आए नेहरू जी स्वयं वहीं के थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहीं से थे तो ये तमाम लोग लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि इसके लिए केवल बीजेपी आरएसएस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए इसके लिए विपक्ष भी दोषी है जिसने कि वहाँ की सियासत में जो पॉलिटिकल कंटेंट है जनता का समाज के जो उन तबकों का जो वाकई जिनको न्याय की सबसे अधिक ज़रूरत है जिनको समानता की सबसे अधिक जरूरत है जिनको, जिनको रोज़गार की सबसे अधिक जरूरत है उनके लिए शायद उन्होंने उतना लड़ाई नहीं लड़ी और इसका फ़ायदा उठाया आर एस एस विश्व हिंदू परिषद ने कि उन्होंने मंदिर मस्जिद का सवाल वहाँ का केंद्रीय सवाल बना दिया अभी इतनी मारकाट हो रही है इतनी मुठभेड़ हत्याएं मुठभेड़ हत्याएँ लोग बता रहे हैं कि अड़सठ लोग अब तक मारे जा चुके हैं और अड़सठ लोग जो मारे गए हैं सिर्फ ये योगी सरकार के दौरान और तेईस के आसपास बताते हैं कि मुठभेड़ कांड हुए हैं एन ने जो मानवाधिकार आयोग है उसने बाकायदा सत्रह आइडेंटिफाई केसेस किया और उनको कहा कि योगी सरकार से कि भई इसको आप इंक्वायर कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए आज तक कुछ नहीं हुआ कोर्ट ने कहा है कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कि एनआर एन आर से भी आपको कोई परवाह नहीं है कोर्ट से भी कोई परवाह नहीं है और दूसरी तरफ एक और घटना हो रही है कि इन सबके बावजूद हिंसा मुठभेड़ अराजकता इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो अब चुनाव चुकी आ गया है अब आप फिर से राम मंदिर और मस्जिद का सवाल इसको राजनीति के केंद्र में ला रहे हैं तो असल मसला वही है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अधिकतम सीटें आवें इनके लिए सारी ये खुराफात हो रही है लेकिन अब दुखद यह है या इसका दूसरा पहलू कहिए दुखद से ज़्यादा बेहतर शब्द है दूसरा पहलू यह है कि लोग एलिएनेट हो रहे हैं इस पॉलिटिक्स से लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं उसका नतीजा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के और दूसरे हलकों के भी किसान इतनी भारी संख्या में हाल में आए और वो दिल्ली कुछ करना चाहते थे राजघाट जाना चाहते थे रोका गया भारी बवाल हुआ और इतना ज़्यादा हिंसा की गई पुलिस द्वारा कि लोगों को लहूलुहान कर दिया गया पूरी दुनिया में देखा लोगों ने कि 2 अक्टूबर को इस सरकार ने बहादुर शास्त्री का भी उसी दिन जन्म मना रहे थे कैसे किसानों को बूढ़े किसानों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया इससे किसान समाज पूरी तरह इस सरकार से इस तरह की राजनीति से जो पिछले चुनाव में इनके साथ था खासकर जाट या इस तरह के जो समा समाज के लोग थे काफ़ी हद तक उनको इन लोगों ने मोबलाइज़ किया था ख़ासकर मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद लेकिन अब वो बिल्कुल इनसे अलग थलग हो रहा है इनकी नीतियों के खिलाफ वो खड़ा हो रहा है तो दोनों चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं सोनाली कि एक तरफ इनका दमन चक्र और दूसरी तरफ दमन के खिलाफ प्रतिरोध ये है लेकिन ये सारी जो खुराफात ये लोग कर रहे हैं वो 2019 के चुनाव को जीतने के लिए हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद